नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं श्रीराम यार्ड पर, जहाँ पर वाहनों की नीलामी होती है। देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे वाहन खड़े हुए हैं जिनकी यहाँ पर नीलामी होने वाली है। 17 फरवरी को नीलामी होने वाली है। आज 7 तारीख हो चुकी है, 17 फरवरी को नीलामी होने वाली है। तो जो भी मेरे भाई वाहन लेने की इच्छुक हैं, ट्रैक्टर और फोर व्हीलर, टू व्हीलर या कोई भी वाहन लेना चाहते हैं, तो वो लोग श्रीराम यार्ड पर आ सकते हैं और कोई भी वाहन यहाँ पर ले, बहुत ही कम दामों पर आप लोगों को यहाँ पर वाहन देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर भी रखे हुए हैं मेरे पीछे और फोर व्हीलर गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं और यहाँ पर टू व्हीलर का भी आप लोगों को कलेक्शन देखने को मिल जाता है। तो जो भी मेरे भाई यहाँ पर कोई भी वाहन लेना चाहते हैं या नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो 17 फरवरी को यहाँ पर आ सकते हैं। मॉर्निंग 10 बजे से नीलामी है। अगर कोई भी वाहन आप लोगों को वीडियो में देख के पसंद आ रहा है तो आप लोग 17 फरवरी को मॉर्निंग में जल्दी आकर यहाँ पर वाहन की पूरी तरीके से जाँच परख कर सकते हैं और हर तरीके के वाहन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो यहाँ पर जो भी वाहन आते हैं, जिस कंडीशन में भी होते हैं, उसी कंडीशन में उन वाहनों की नीलामी होती है। नीलामी से संबंधित जो भी दस्तावेज लगते हैं उनमें आप लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड लाना अनिवार्य है, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड आप लोगों के सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर जमा होते हैं और साथ साथ RSD चार्ज के रूप में आप लोगों को 20,120 रुपये यहाँ पर जमा करने पड़ेंगे, तभी आप लोगों को नीलामी में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और जिस वाहन पर आप लोग नीलामी में बोली लगाना चाहते हैं, उन वाहन को अच्छे तरीके से जांच परख करके ही आप लोग यहां पर नीलामी लगाएं, क्योंकि जिसमें जिस वाहन पर भी आप नीलामी लगाएंगे वह जिस कंडीशन में भी होगा उसी कंडीशन में आप लोगों को यहां पर दिया जाएगा। उसमें किसी भी तरीके की रिपेयरिंग करके नहीं दी जाएगी और साथ ही ना किसी तरीके की कोई छेड़खानी करके दी जाएगी। जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में आप लोगों को ये वाहन मिलेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही देख परख करके अच्छे तरीके से कंडीशन में देख कर अपने वाहन की नीलामी में बोली लगाएं। और अगर आप लोग यहां पर आना चाहते हैं तो ये यहां का एड्रेस है, सागर रोड पर 4 सीजन होटल के आगे, श्री राम यार्ड छतरपुर। चलिए दोस्तों, आप लोगों को यहां का मैं कलेक्शन दिखाने जा रहा हूं ताकि आप लोग पूरी वाहनों को अच्छे तरीके से देख सकें। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं जैसा कि कम बजट की ओमनी खड़ी हुई है, बहुत ही कम रेट पर आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है और इसी के साथ में 9 सीटर बोलेरो प्लस में खड़ी हुई है, बहुत ही कम रेट पर आप लोगों को ये भी नीलामी में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ में ये देख सकते हैं ट्रैक्टरों का भी बहुत बड़ा कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को स्वराज भी मिल जाएगा, आइसर भी मिल जाएगा, महिंद्रा भी मिल जाएगा, मैसी भी मिल जाएगा, सारे के सारे ट्रैक्टर यहाँ पर कलेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैसी ट्रैक्टर भी रखा हुआ है, कम रेट पर आप लोगों को ये सारे के सारे मिलने वाले हैं। इसी के साथ में ये देख सकते हैं ओमनी रखी हुई है, MP16 का रजिस्ट्रेशन है, 2017-18 का मॉडल है, कम रेट पर, बहुत ही कम रेट पर आप लोगों को ये गाड़ियां देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ में ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑटो रखा हुआ है। अगर कोई भी वाहन आप लोग लेना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सारा कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये अर्टिगा रखी है, मॉडल का मुझे पता नहीं है दोस्तों, जो भी मॉडल है अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी गाड़ियों का भी कलेक्शन है, जिसमें आइसर और 18 चक्का 16 चक्का गाड़ियाँ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये देख सकते हैं बस भी रखी हुई है यहाँ पर, छोटा हाथी और ए स्विफ्ट डिजायर रखी हुई है। सारी की सारी गाड़ियाँ बहुत ही अच्छे कंडीशन में हमें होती हैं और बहुत ही अच्छे कलेक्शन के साथ में यहाँ पर गाड़ियाँ आई हुई हैं। ये देख सकते हैं ऑटो रखा हुआ है, इसी के साथ साथ में इनोवा भी रखी हुई है और ये बोलेरो रखी हुई है और स्कॉर्पियो रखी हुई है। अच्छा खासा कलेक्शन है कल मिला के इस बार की नीलामी में, बहुत ही सारा कलेक्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बोलेरो में पिकअप रखी हुई है, जो भी पिकअप लेने के इच्छुक हैं और कम रेट में वो पिकअप लेना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पर नीलामी में शामिल हो सकते हैं। 17 फरवरी को दोस्तों नीलामी है, 2024 की 17 फरवरी को नीलामी है। तो जो कोई भी मेरे दोस्त जो लेना चाहते हैं वो 17 फरवरी को मॉर्निंग में आकर यहाँ पर 10 बजे से नीलामी शुरू हो जाती है। देख सकते हैं ये बोलेरो रखी हुई है, ये अर्टिगा रखी हुई है, कम रेट पर आप लोगों को ये सारी की सारी गाड़ियाँ मिलने वाली हैं। ये कलेक्शन देख सकते हैं, इस बार का कलेक्शन बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया है यहाँ पर। और इसके साथ साथ ट्रैक्टरों में देख सकते हैं, ये ट्रैक्टरों का कलेक्शन है, ये देख लीजिए, ये पावर ट्रक है, 434 TS है, अच्छी कंडीशन में देल देख सकते हैं, सस्ते दामों पर भी मिल सकता है आप लोगों को ये पावर ट्रक, 439 है। देख सकते हैं कंडीशन, देख सकते हैं ट्रैक्टरों की बेहतरीन कंडीशन में आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। और ये स्वराज रखा हुआ है, जो स्वराज प्रेमी है, जो जिनको स्वराज अच्छा लगता है वो देख सकते हैं, बड़ा ट्रैक्टर है, 834 है, अच्छे खासे रेट पर आप लोगों को ये ट्रैक्टर भी देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में ये आइसर रखा हुआ है, आइसर 485 है, कंडीशन देख सकते हैं आप ट्रैक्टर की, बेहतरीन कंडीशन में क्लीन ट्रैक्टर है, कम चला हुआ है,
कम रेट पर आप लोगों को ये भी मिल जाएगा। यहाँ पर रिफाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, आप लोग अगर फाइनेंस करवाना चाहते हैं ट्रैक्टरों को तो ये ट्रैक्टर रिफाइनेंस भी हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ में ये देख सकते हैं सोनालिका रखा हुआ है और इसी में ये स्वराज रखा हुआ है 855 FE, नया ट्रैक्टर है, ब्रांड न्यू कंडीशन में खड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसी के साथ साथ में और कलेक्शन देख सकते हैं आप लोग, ये देख लीजिए, और जाइलो खड़ी हुई है, स्वेप्टी भी खड़ी हुई है, बोलेरो में पिकअप है दूसरी, यूपी रजिस्ट्रेशन के साथ में ये डस्टर खड़ी हुई है, आप लोग इनकी कंडीशन देख सकते हैं, ये देख लीजिए, अच्छी कंडीशन में गाड़ियां हैं आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। ये देख सकते हैं डस्टर, कम रेट पर आप लोगों को ये गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ साथ ये देख सकते हैं ये लोडर खड़ा हुआ है, टाटा का लोडर है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में आप लोगों को ये भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ में हुंडई की वरना जो काफ़ी लोगों की फेवरेट होती है, ये भी नीलामी में आई हुई है, नीलामी में अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ये गाड़ी भी ले सकते हैं, कम रेट पर, बहुत ही कम रेट पर आप लोगों को ये गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ में ये देख सकते हैं फोर्ड की फीगो, अच्छी कंडीशन में आप लोगों को अगर लेना चाहते हैं तो ये फोर्ड की फीगो भी खड़ी हुई है, कम रेट पर आप लोगों को ये गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। और इसमें ऑल्टो भी खड़ी हुई है, तीन तीन ऑल्टो खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं, एक ये है और ये एक है, तीनों गाड़ियाँ ऑल्टो हैं, ये ओल्ड मॉडल है, ये दोनों न्यू मॉडल में गाड़ियाँ हैं। और 17 फरवरी को नीलामी है, 17 फरवरी को आप लोग यहाँ पर आकर नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये ओमनी खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं एमपी रजिस्ट्रेशन के साथ में ये भी खड़ी हुई है, ये भी आप लोगों को बहुत ही कम रेट पर देखने को मिल जाती है, ये देख लीजिए, ये कई बोलेरो खड़ी है, 2017 का मॉडल है, देख सकते हैं आप लोग, ZLX है, कम रेट पर आप लोगों को देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ में ये टू व्हीलर का भी कलेक्शन है यहाँ पर, अगर टू व्हीलर गाड़ियाँ भी आप लोग खरीदना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, कलेक्शन में बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं यहाँ पर, कम रेट पर आप लोगों को ये गाड़ियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्शन बहुत ही सारा है, हर एक गाड़ी का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, बैटरी वाली ई रिक्शा भी रखी हुई है पीछे, तो जो भी मेरे भाई लेना चाहते हैं, कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं, वो एक बार यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ का एड्रेस है श्रीराम यार्ड पर, फोर सीजन होटल पर, ये फोर सीजन होटल के सामने श्रीराम यार्ड पर ये सारी की सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। ये देख सकते हैं कलेक्शन में बहुत ही सारा कलेक्शन है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ और सस्ती गाड़ियाँ आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।